अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो आज मैं ऋषि नहीं रहमान होता, आप माधव नहीं मुस्तफा होते, साक्षी नहीं शबनम होते। वो और उनके जैसे राजा, सेनापति, सैनिक और बहुत से बहादुर लोग थे जिनकी वजह से आज हमारी पहचान जिंदा है। और इतने सब के बाद एक दिन एक नेता उठकर अचानक ये बोल दे कि ये राजा महाराजा गरीबों को लूटते थे, जबरदस्ती उनकी जमीनें हड़प लेते थे, उन पर अत्याचार करते थे, और कांग्रेस ने इन्हें इन राजा महाराजाओं से बचाया है, इन्हें संविधान दिया है, आजादी दिलाई है, तो इसे भारतीय इतिहास की एक बड़ी विडंबना और घटिया हरकत बोलना गलत नहीं होगा। मोदी जी ने राहुल गांधी को सही जवाब दिया कि ये साफ साफ छत्रपति शिवाजी महाराज और बाकी महान राजाओं का अपमान है। कांग्रेस के शहजादे को नवाबों के, निजामों के, सुल्तानों के अत्याचार नजर नहीं आते। मैं एक भारतीय कभी नहीं भूल सकता कि नाक्रांताओं ने मेरे देश की विरासतों को कितनी क्षति पहुंचाई है। इनकी वजह से हमारी माँ बहनों ने जो जो सहा है वो राहुल गांधी भूल सकते हैं, मैं नहीं भूल सकता। वोट बैंक की पॉलिटिक्स में ये पार्टी बोलती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इनके अलायंस के नेता बोलते हैं कि सनातन धर्म तो डेंगू मलेरिया की तरह है, इसे इरेडिकेट करने की जरूरत है। और इतना कचरा, इतनी हेट स्पीच सुनने के बाद अगर मैं एक कांग्रेस वोटर भी होता ना तो हाथ को वोट देने से पहले मेरे हाथ कांप जाते। आप सोच समझ कर वोट दीजिएगा। जय हिंद, जय श्री राम।